गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में सेलेजिनेला पढ़ा था, टेडोफाइट्स में, पेपर थर्ड, सेकेंड ईयर की क्लास है। अब हम मार्शिलिया पढ़ेंगे। मार्शिलिया के सिस्टमिक पोजीशन जो है वो ये है कि डिवीजन इसका फिलिकोफाइटा, क्लास इसको लैपिडोस्पोरेंजियोप्सिडा, फैमिली मार्शेलिसी और जीनस मार्शिलिया। ये प्लांट बॉडी है मार्शिलिया की। ये एक्वेटिक भी होता है, एम्फीबियस भी है, सेमी टेरिस्ट्रियल है, टेरिस्ट्रियल है, और इट ग्रोज नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। तो इसके प्लांट बॉडी में दिस इज क्रीपिंग राइजोम, और इस क्रीपिंग राइजोम में इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। दिस इज नोड, दिस इज अनदर नोड, एंड दिस डिस्टेंस इज इंटर नोड। ये इंटर नोड एक्वेटिक स्पीशीज में बड़े बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और टेरिस्ट्रियल में स्मॉल होते हैं। फिर इसमें नोड पर जो है रूट्स होती हैं, जो फर्स्ट लीव्स होती हैं, सॉरी फर्स्ट रूट्स होती हैं, वो एफीमरल होती हैं और शॉर्ट लीव होती हैं। उसके बाद फिर जो है एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हैं एट नोडल रीजन ऑफ द क्रीपिंग राइजोम। फिर इसमें जो है नोडल पोर्शन में ही इसमें लीफ जो है कंपाउंड लीफ होती है। ये कंपाउंड लीफ है टेट्राफोलिएट, इसमें ये टेट्राफोलिएट है, ये बाई ट्राईफोलिएट भी होती है इस तरीके से। दिस इज कंपाउंड लीफ और दीज आर लीफलेट एंड दिस इज पिट्यूल। और इसमें जो ये राइजोम है, राइजोम के जो लीफ दिस पिट्यूल है, इस पिट्यूल के बेसल पार्ट में एक फ्रूटिंग बॉडी लगी हुई है, और ये फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है स्पोरोकार्प। और इसमें जैसा कि टेडोफाइट में यंग लीव्स जो होती हैं वो मुड़ी हुई रहती हैं, ये दिख रही हैं आपको यंग लीव्स, तो ये सर्सिनेट वेनेशन कहलाता है। तो ये देखिए एक्वाटिक स्पीशीज दिख रही है इसमें डायग्राम में, और एम्फीबियस, एम्फीबियस मतलब इसका हाफ पार्ट अबाउ द वाटर बॉडी एंड अदर पार्ट अंडर द वाटर बॉडी। और दे आर रूट्स एम्बेडेड इन मड और डैम सॉयल, मतलब जो दलदली जो होता है वहाँ पे वो रहती हैं धसी हुई। एक्वेटिक स्पीशीज एम माइनोटा एंड क्वाड्रिफोलिया, जो कि फ्रेश वाटर पॉइंट्स में पाई जाती है, शेलो वाटर बॉडी में पाई जाती है, या मड और डैम सॉयल में पाई जाती है। और इसमें एम कंडेंसेटा जो है दैट इज़ ए नियरली ज़ीरोफिटिक स्पीशीज है मार्शिलिया की, जो कि ड्राई सॉयल में उगती है, और ये वाटर फॉर्न भी कहलाता है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए पेपर वर्म। अब इसमें जनरल करेक्टर ऑफ मार्शिलिया जो कि मैंने अभी प्लांट बॉडी में बताया आपको, तो स्टेम इसकी अंडरग्राउंड राइजोम है, हर्बेशियस होती है, मतलब सॉफ्ट स्टेम होती है, स्लेंडर होती है, नाजुक होती है, क्रीपिंग जो कि जमीन के ऊपर चलती रहती है, फ्रीली ब्रांच्ड होती है, और इनडेफिनेट ग्रोथ होता है उसमें। इट मे ग्रो जस्ट अबव द ग्राउंड, इट मे ग्रो जस्ट बिलो द सरफेस, और डिफरेंशिएटेड नोड इंटरनोड अभी मैंने आपको बताया था राइजोम का। और एक्वेटिक स्पीशीज में बड़ी होते हैं ये, लॉन्ग होती हैं इसकी इंटरनोड्स, और अंडरग्राउंड राइजोम इस अंडरग्राउंड ट्यूबर्स जो है राइजोम पे होते हैं किसी किसी में, जैसा कि एम हिरशुटा जो है इसमें ट्यूबर्स पाए जाते हैं। अब हम दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्शिलिया। नाउ कम्स टू द राइजोम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये कोशिकीय संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इसके स्टेम दैट इज राइजोम, राइजोम जो है इट इज़ राइजोम जो है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टीलरिज्म। एपिडर्मिस आउटरमोस्ट है, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिख रहा है आपको, सिंगल लेयर्ड है, कॉम्पैक्ट अरेंज है, एंड नो स्टोमेटा इन दिस एपिडर्मिस। नाउ कम्स टू द कॉर्टिकल पोर्शन, कॉर्टिकल पोर्शन डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन। फर्स्ट रीजन जो है दैट इज़ हैविंग लार्ज एयर स्पेसिस, और ये एयर स्पेसिस एक्वेटिक स्पीशीज में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में नहीं पाए जाते हैं, और दीज आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल लेयर्ड सिंगल सेल सेप्टा।
नाउ कम्स टू द मिडल कॉर्टेक्स. मिडल कॉर्टेक्स क्लेरेनकाइमेटस है जो कि इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. और इनर कॉर्टेक्स जो है, दिस इज इनर कॉर्टेक्स, दिस इज मिडल कॉर्टेक्स और दिस इज आउटर कॉर्टेक्स. इस मिडल वाले ये जो है पैरेनकाइमेटस है और फूड स्टोर करता है. और उसके बाद इसमें जो है स्टीलर रीजन आता है, ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ. एयर चैम्बर्स होते हैं क्लेरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस इनर एक्ट्स एज अ स्टोरेज लेयर. और ये एयर स्पीशीज ज़ेरोफिटिक स्पीशीज में नहीं होते. नाउ कम टू द स्टीलर पार्ट ऑफ द राइजोम. जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो है दिस इज ज़ाइलम रिंग एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील. स्टील कैसी होती है इसकी? एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील. दिस इज ज़ाइलम रिंग. एम्फीफ्लोइक मतलब दोनों तरफ फ्लोएम, एम्फी मतलब बोथ, फ्लोइक मतलब फ्लोएम. तो इसमें ज़ाइलम की ये रिंग है. इसके इस तरफ भी फ्लोएम पाया जाता है और इस तरफ भी फ्लोएम पाया जाता है. यहाँ पे ये फ्लोएम पाया जाता है. और इस फ्लोएम के इधर दिस इज आउटर एंडोडर्मिस एंड दिस इज आउटर पेरिसाइकिल. ज़ाइलम फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज ज़ाइलम रिंग, दिस इज फ्लोएम, दिस इज इनर एंडोडर्मिस, दिस इज इनर एंडोडर्मिस और इनर पेरिसाइकिल. तो इसमें जो है किस तरीके का हो गया, एम्फीफ्लोइक, ज़ाइलम रिंग, दिस इज ज़ाइलम रिंग, यहाँ पर दोनों तरफ फ्लोएम फ्लोएम, देन दिस इज आउटर एंडोडर्मिस एंड दिस इज इनर पेरिसाइकिल, दिस इज फ्लोएम, दिस इज ज़ाइलम एंड इनर एंडोडर्मिस एंड इनर पेरिसाइकिल. और यहाँ सेंटर में स्क्लेरेनकाइमेटस पिथ. और ये स्क्लेरेनकाइमेटस पिथ जो है टेरिस्टियल स्पीशीज में तो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है और एक्वाटिक स्पीशीज में पैरेनकाइमेटस होता है. वही मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. और इस तरीके की स्टील जो है एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील कहलाती है. दिस इज ऑल अबाउट द राइजोम एनाटॉमी. नाउ कम्स टू द रूट. रूट इसकी जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और थोड़े समय में नष्ट हो जाती हैं. उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स बनती हैं और ये एडवेंटिशियस नोडल पार्ट पे निकलती हैं. मैंने आपको प्लांट बॉडी में बताया था नोड्स, और इसमें नोड्स में से यहाँ पे ये जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं. किसी किसी में इसमें यहाँ पे इंटरनोडल रीजन में भी रूट्स आ जाती हैं. नाउ रूट्स के एनाटॉमी में थ्री रीजन सेम, एपिडर्मल, कॉर्टिकल एंड स्टीलर रीजन. तो कॉर्टिक्स, नाउ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज. और एक्वाटिक है तो कोई स्टोमेटा ही नहीं होंगे. फिर जो है इसमें कॉर्टेक्स अगेन डिफ्रेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर, आउटर कॉर्टेक्स, पैरेनकाइमेटस. पैरेनकाइमेटस इसलिए क्योंकि पैरेनकाइमा के अंदर एयर लार्ज एयर स्पेसिस हैं और ये लार्ज एयर स्पेस सिंगल लेयर्ड सिंगल सेल सेप्टा से सेपरेटेड है. पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं ये. तो दिस इज आउटर मोस्ट पैरेनकाइमेटस, दिस इज मिडिल वन पैरेनकाइमेटस स्टोरिंग फूड एंड इनर वन इज द स्क्लेरेनकाइमेटस. दिस इज क्लेरेन. और फिर इसमें जो है बीच इसमें ये जो है दिस इज कॉर्टेक्स. फिर इसमें ये जो दिख रही है एकदम वाइट, ये वाइट लेयर यहाँ पे वाइट दिख रही है ना, ये दिस वाइट दिस सेल्ड, दिस इज एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस के इसमें अंदर पेरिसाइकिल और इस पेरिसाइकिल के बीच में इधर टू बड़े जो हैं दीज आर मेटाजाइलम एंड दीज आर छोटे जो हैं दीज आर प्रोटोजाइलम. ये डायार्च, रूट्स में जैसी डायार्च होती है वैसी ही डायार्च. तो डायार्च में क्या होता है, प्रोटोजाइलम टूवर्ड पेरिफ्री होता है, मेटाजाइलम टूवर्ड सेंटर होता है और उसे एक्सार्च हम कहते हैं. तो इसमें डायार्च एक्सार्च टू लार्ज स्ट्रेंड्स ऑफ मेटाजाइलम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर हैविंग टू ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजाइलम टूवर्ड द पेरिफ्री, जैसा कि अभी मैंने डायग्राम में बताया. और फ्लोएम इज इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, यहाँ पर फ्लोएम जो है बैंड्स के फॉर्म में यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है.
ये बीच में जाइलम इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ बैंड. नाउ लीफ राइजोम, इसमें हमने रूट, अब लीफ. लीफ जो है मैंने आपको बताया था कंपाउंड लीफ होती है विद लॉन्ग पेट्यूल. ये दिस इज कंपाउंड लीफ एंड दिस इज वेरी लॉन्ग पेट्यूल. दिस इज वेरी लॉन्ग पेट्यूल एंड दिस इज दीज आर फोर इक्वल लीफलेट्स. और एक्रोपेटल सक्सेशन में यंगेस्ट एट द अपेक्स ऑफ द राइजोम और यंग लीफ सर्सिनेट वेनेशन शो करती है. ये दिख रहा है आपको, ये रहा सर्सिनेट वेनेशन. दिस इज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. नाउ कम्स टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. इसमें लीफलेट का स्ट्रक्चर है. लीफलेट कोई भी हो उसमें एपिडर्मल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड बीच का मेसोफिल और इन द सेंटर वास्कुलर बंडल्स. तो इसमें जो सबमर्ज स्पीशीज हैं उसके उसमें अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है और जो टेरिस्टियल और एम्फीबियस होती हैं उसमें दोनों तरफ जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. मेसोफिल इसमें डिफ्रेंशिएटेड है. दिस इज पेरिसेड एंड दीज आर स्पॉन्जी. स्पॉन्जी आर हैविंग एयर स्पेसेस इन इट और इसकी लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है. अब आते हैं इसके स्टीलर पार्ट में. तो इसमें ये जो है दिस इज आउटर मोस्ट एंडोडर्मिस जो कि बाउंड करती है स्टील को. एंडोडर्मिस और इस एंडोडर्मिस के अंदर दिस इसमें सेंटर में दिस इज जाइलम और इसके चारों तरफ यहाँ पर फ्लोएम. तो ये कॉन्सेंट्रिक मीन्स इन द सेंटर, इन द सेंटर इट इज जाइलम, इन द सेंटर इट इज जाइलम एंड हियर इट इज फ्लोएम. तो दिस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल. अब हम इसमें जो है हमने मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमी हमने पढ़ी. अब हम इसमें नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट इट्स लीफलेट्स.